स्वच्छ भारत निर्माण के लिए सरकार के लाख प्रयासों के बाद भी यह अभियान सफल नहीं हो पाया है। कागजों में आंकड़ा दिखाकर प्रशासन ने अपनी पीठ तो थपथपा ली, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के बरही तहसील के अंतर्गत आज करीला के वलारी गांव के बाहर आरएफ 485 जंगल के अंदर शोच क्रिया कर रहे युवक प्रमोद पर बाघ ने हमला कर दिया। इस घटना से स्वच्छ भारत मिशन की पोल खोलकर रख दी। घायल युवक ने बताया कि उसके घर शौचालय नहीं बना है, इसलिए सुबह 6 बजे मैं लौटा लेकर शोच क्रिया करने जंगल गया था। यही घर में शौचालय होता तो मुझे खुले में शौच करने न जाना होता और बाघ हमले से बच जाता। आपको बता दें कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव के घरों में शौचालय निर्माण पूर्ण होने, ओडीएफ कराने शायद कागजों तक सीमित है। बाघ हमले में घायल युवक बड़वारा जनपद के ग्राम पंचायत सलेया सिहोरा के केवलारी गांव का निवासी है, जिसके घर में अब तक शौचालय की व्यवस्था न होने से यह तो साफ झलक रहा है कि देश के सबसे बड़े स्वच्छ भारत मिशन पर जिम्मेदार लेपापोती कर रहे हैं और जमीनी हकीकत कुछ और ही कह रही है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए कटनी से जिला ब्यूरो राजेश केवट की खास रिपोर्ट। जो बताया गया कि बाघ के द्वारा एक व्यक्ति आज घायल हो, क्या क्या मामला है सर? मामला ये है कि हमारी एक बीट है, वहाँ पे 450 है, वहाँ से लगा हुआ गाँव है केवलारी। तो केवलारी गाँव के एक व्यक्ति है जिनका नाम है प्रमोद भूमिया। ये सुबह नित्य क्रिया करने के लिए समझाइश के बाद भी जंगल में चले गए, और जंगल में जैसा कि टाइगर मूवमेंट यहाँ समान तौर पर रहता है, टाइगर ने झुक कर बैठे थे, धोखे से उनको पशु समझ के उन पर आक्रमण किया। फिर जैसे ही वो खड़े हुए उसको आभास हुआ कि नहीं है, पशु नहीं माना, मैं उनको छोड़ दिया, लेकिन इस दौरान वो घायल हो गए। उनको तत्काल बरही अस्पताल ला कर प्राथमिक उपचार कराया गया एवं बेहतर इलाज के लिए परिवार की सहमति से उनको तत्कालिक सहायता प्रदान करते हुए कटनी भेजा गया। सर, इसके पहले भी गत सप्ताह पूर्व इस तरह की घटना अभी घटित हुई थी सर? 8 तारीख को हुई थी। 8 तारीख को बरेला गांव में एक कृषक घायल हुए थे, और उसके बाद से उसके पहले भी हमारी टीम लगातार गश्ती करती रहती है, क्योंकि बांधवगढ़ से लगी रेंज है, तो टाइगर का मूवमेंट, टेंडर मूवमेंट यहाँ समान घटना है। और हमारी वन विभाग की टीम है, बांधवगढ़ की जो स्पेशलिस्ट टीम है, जो हाथी दल है, जो वहाँ के विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं, वो सभी इस पूरी घटना पे नज़र रखते करके और पूरा यहाँ पे हम लोग लगातार गश्ती कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, सर्चिंग कर रहे हैं। हमने कैमरे भी लगाए हुए हैं। तो अब बरेला गांव में तो टाइगर के साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं 2-3 दिनों से, लेकिन ये घटना घटित हुई है। और निश्चित रूप से इस घटना के पीछे जो हम लोग समझाइश दे रहे हैं उसको अच्छी तरह ना मानना है, क्योंकि अभी एहतियात के तौर पर हमने लोगों से कहा है कि वो अकेले ना जाएं, यदि बहुत आवश्यक हो तो बात करते हुए चलें, झुक करके ना बैठें, जंगल के अंदर प्रवेश ना करें।